नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बरारी में हुए डबल मर्डर को लेकर एक्शन में आई पुलिस, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज। भागलपुर कृषि कार्यालय में दो दिवसीय यांत्रिकरण मेला का हुआ शुभारंभ, किसानों को मिलेगा लाभ। प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में शव बरामद नहीं होने से नाराज लोगों ने किया हंगामा, पुलिस के खिलाफ जताया आक्रोश। और दक्षिणी क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों को 3 दिनों का जिला प्रशासन ने दिया अल्टीमेटम, अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस एक्शन में आ गई है। दरअसल बीते दिन बदमाशों ने हथिया नाला के समीप दो युवकों की हत्या कर दी थी। मृतक सन्नी और रोहित के परिजनों ने हत्या के पीछे पैसे के लेन देन की आशंका जाहिर की है। वहीं पीड़ित के फर्द बयान पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मृतक रोहित के दादा अरुण रजक ने मामले में 3 नामजद आरोपियों का जिक्र किया है। वहीं SSP बाबूराम के द्वारा भी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन कर दिया गया है, जिसमें ASP सिटी शुभम आर्य के नेतृत्व में स्थानीय थाने के SHO के अलावा कई अलग अलग थाने के पुलिस पदाधिकारी शामिल होंगे। ASP ने मामले को लेकर इलाके का जायजा लिया और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों का पता लगा रही है। गौरतलब हो कि डबल मर्डर से पहले बरारी थाना क्षेत्र के सुर्खी कल में दिन दहाड़े एक सेंट्रिंग मिस्त्री को गोली मारी गई थी, जिसमें परिजनों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम देने का आरोप नामजद आरोपी सूरज तांति पर लगाया है। वहीं SP सिटी शुभम प्रभात ने बताया कि सूरज तांति एक पेशेवर मुस्लिम है और वह बेल पर बाहर है, जबकि सेंट्रिंग मिस्त्री को रंगदारी नहीं देने पर गोलीबारी जैसे संगीन मामले में पुलिस अदालत से उसके बेल रद्द कराने की मांग कर रही है। साथ ही कहा कि पुलिस गिरफ्तारी के लिए अभियुक्त के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जो दूसरा मामला है उसमें सूरज तांति एक कुख्यात अपराधी है, वो कुछ दिन पहले ही जेल से छुटकर आया था और उसने एक व्यक्ति की गोली मार दी है, और लेकिन वो अभी खतरे से बाहर है। और सूरज तांति जो बेल पे है उसकी बेल कैंसिलेशन के लिए हम कोर्ट में प्रे करेंगे और उसको फिर से गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। भागलपुर के तिलकामांझी स्थित कृषि कार्यालय भवन परिसर में 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मंगलवार को सांसद अजय मंडल और विभाग के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। यह कार्यक्रम 29 और 30 नवंबर को कृषि भवन परिसर में चलेगा, जहाँ जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए किसान हिस्सा ले रहे हैं। इसको लेकर सांसद अजय मंडल ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है किसानों को सहूलियत के हिसाब से खेतों में उपयोगी यंत्र कम लागत में मिल सके और साथ ही लागत में सब्सिडी भी मिल सके। उन्होंने कहा कि इससे किसान अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन कर सकेंगे, जिसका लाभ किसानों के साथ सभी लोगों को मिल सकेगा। इसके अलावा सांसद ने कहा कि यह बिहार सरकार की अच्छी पहल है और इससे खेती किसानों को भी काफी लाभ होगा। वहीं यांत्रिकरण मेला में करीब 90 कृषि यंत्र को शामिल किया गया है, जिसको देखने और खरीदारी के लिए किसानों की भीड़ जुटी रही। मौके पर संयुक्त कृषि निदेशक, जिला कृषि पदाधिकारी आत्मा के परियोजना उप निदेशक, कृषि वैज्ञानिक और कई पदाधिकारी समेत काफी संख्या में किसान मौजूद रहे। जिस किसानों के लिए उनके इस मेला का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन कोरोना काल के कारण बंद होने के बाद ये तीसरा साल ही 2 साल के बाद स्टार्ट हुआ है, तैयारी किया गया है और हमारे जिला कृषि पदाधिकारी ने इसकी तैयारी करके किसानों को बुला करके उनको किस खेती के विषय में जिस यंत्र का भी प्रयोग होना चाहिए उनके विषय में जानकारी दे रहे हैं, और सरकार के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो अनुदान की राशि है, किस मशीन पर कितनी राशि है, उनको भी बताने का काम कर रहे हैं और किसानों को उस मशीन को उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं इस मेला के माध्यम से। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र निवासी प्रॉपर्टी डीलर अमित झा का अपहरण 1 सप्ताह पूर्व अपराधियों द्वारा कर लिया गया था। इसके बाद अपहरणकर्ताओं के द्वारा उसकी हत्या कर देने की बात सामने आई थी। वहीं इस मामले को लेकर भागलपुर के सीनियर SP बाबूराम ने बताया कि मंगलवार की देर रात ही प्रॉपर्टी डीलर की जमीन के रुपये को लेकर हुए विवाद के बाद अपराधियों ने उनकी गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि प्रॉपर्टी डीलर अमित झा के अपहरण को लेकर परिजनों ने 1 सप्ताह पूर्व लिखित आवेदन देकर सुल्तानगंज थाना में मामला दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के बदले 1 सप्ताह तक खानापूर्ति करती रही, जिसको
लेकर परिजनों द्वारा रोड जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारा लगाते हुए जमकर बवाल काटा गया था। वहीं परिजनों द्वारा रोड जाम कर किए गए हंगामा को बढ़ता देख पुलिस प्रशासन भी एक्शन में आई और आनन फानन में सुल्तानगंज थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले में कई अहम खुलासे किए गए। SSP ने बताया कि इस कांड में दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अमित झा का शव अब तक पुलिस को बरामद नहीं हो सका है। हालांकि परिजनों में इस मामले को लेकर अभी भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। यही विधायक ललित मंडल को हम अपना दरवाजे पे जीता है। हम चाय बना के मेरे दरवाजे पे से ही जीत के गए हैं, लेकिन एक बार मिलने तक नहीं आए हैं। लेकिन क्या हुआ नहीं हुआ कोई खोज खबर किसी का नहीं, तो गलत बात है। हमको तो पता नहीं है कि वो CM से बात किए किससे किए, पहले तो आप हमसे ना इतना कष्ट हुआ, हमको दुख हुआ, वो हमसे मिलने आते जिस दरवाजे पे वो जीत के गए हैं, और लेकिन हम नहीं जानते हैं, नहीं आया है कोई, नहीं आया मेरे पास कोई खबर ही नहीं, दूसरे जगह जाएगा। देखिए सबसे पहले घटना की बात जब हम करते हैं, यह बहुत ही निंदनीय घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और अपराधी अभी तक पकड़ से बाहर है, और आज भी पूरा परिवार के साथ साथ आपका पूरा समाज जो है उनके घर में जो चूल्हा नहीं जल रहा है, वो सभी के आंख से आंसू सूख गए हुए हैं। और माननीय विधायक की बात रही तो माननीय विधायक जी एक बार भी पीड़ित परिवार के घर कम से कम जाना ठीक नहीं समझे, या अन्य जो भी कारण हो, माननीय विधायक जी से मेरी भी गुजारिश होगी, और यही बात माननीय विधायक जी को कहना चाहूंगा कि उनको कम से कम प्रीत परिवार से मिलना चाहिए। भागलपुर के भोलानाथ पुल स्थित दक्षिणी क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले लोगों को नगर निगम प्रशासन की ओर से मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई है। दरअसल कई ऐसे इलाके हैं जहां अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, और चेतावनी देने के बावजूद लोग इसे हटा नहीं रहे हैं। इस दौरान सख्त चेतावनी देते हुए पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस दौरान प्रशासन की ओर से दक्षिणी क्षेत्रवासियों को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, और आने वाले दिनों में अवैध रूप से किए गए सभी अतिक्रमण पर निगम प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। मौके पर निगम प्रशासन के पदाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी समेत काफी संख्या में पुलिस कर्मी मौजूद रहे। भोलानाथ पुल को खाली कराने के लिए कर्मवाद चलाया गया था। भोलानाथ पुल में जो भी अतिक्रमण हुआ है यहाँ उसको खाली कराने के लिए चलाया गया, और हमने इसमें नोटिस भी दिया हुआ है, 2 नोटिस दे दिया गया है, और जो लोग खाली नहीं किया उनको हम खाली कराएंगे। जिस भी कस्बे कितने दिन का अल्टीमेटम दिया गया है? नोटिस होती है, नोटिस एक और नोटिस दो होती है, उसमें कम से कम 1 महीने का समय मिल जाता है। ये पहला नोटिस था क्या? नहीं, नोटिस दोनों हो गए हैं, दोनों नोटिस हो गए हैं। आप अपने तरफ से क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी हम जो भी मान लो जो नहीं खाली किया उसको हम खुद से खाली करवाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपने से खाली कराने के लिए मान गए हैं। समय की मांग की गई 1 हफ्ते की, उसमें वो लोग खाली कर लेंगे। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के MBA विभाग में उद्यमिता विकास पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यशाला के मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद प्रख्यात उद्यमिता प्रशिक्षक और कौशिक ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी ने MBA प्रथम सत्र एवं तृतीय सत्र के छात्र छात्राओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में डीन एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार झा एवं MBA विभाग के निदेशक डॉक्टर पवन कुमार सिन्हा ने पुष्पगुच्छ देकर प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी का स्वागत किया। वहीं प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी ने उद्यमिता से संबंधित कई बातों की जानकारी देते हुए उद्यम और व्यापार में अंतर बताने के साथ उद्यमी गुण एवं उद्यमी यात्रा पर विस्तृत रूप से चर्चा की। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर काजी कामरान ने किया, जबकि इस दौरान विभाग की ओर से प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम में MBA विभाग के डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर सुदर्शन कुमार समेत कई शिक्षक और छात्र छात्रा मौजूद रहे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए Silk TV। Thank you.
के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है बढ़ते अगली खबर की ओर। बांका शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र के इंटर स्तरीय SKM पब्लिक स्कूल दाड़ी पकैया में रविवार को विज्ञान मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने मिसाइल सहित एक से बढ़कर एक प्रदर्शनी लगाई, जबकि मेला में कई कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी गई। मेले में विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भरता का भी बोध कराया, जहाँ बच्चों ने खाने पीने के सामग्रियों के कई स्टॉल भी लगाए। वहीं प्रदर्शनी के दौरान मॉडल को देखकर अतिथियों ने छात्रों एवं विद्यालय प्रबंधन की काफी सराहना की। इस दौरान बच्चों ने समोसा, चाट, बर्गर, चाय, काफी सहित कई अन्य तरह के स्टॉल लगाया, जिससे वहां मौजूद अतिथियों ने बच्चों द्वारा बनाए गए व्यंजन का स्वाद चखा। विज्ञान मेले में चार्ली चैपलिन से मशहूर हीरो राजन कुमार रहे, जबकि राजन कुमार ने छात्र छात्राओं को उत्साह वर्धन किया। वहीं राजन कुमार ने बच्चों को किताबों को अपना मित्र बनाने का संदेश दिया, जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। इसके अलावा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित मशरूम महिला बीना देवी, अफसाना प्रवीण, रिटायर्ड कर्नल सौमेंद्र पांडे ने भी बच्चों का उत्साह बढ़ाया। इधर संस्था के निदेशक मानवेंद्र कुमार गौतम उर्फ बाबुल ने बताया कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बच्चों के बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन निदेशक मानवेंद्र कुमार, अभिनेता राजन कुमार और कर्नल सौमेंद्र पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। ससुराल बालों की प्रताड़ना से परेशान एक पीड़िता भागलपुर पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों का चक्कर लगाते हुए दर दर भटक रही है, जहां वह अपने पति की फोटो दिखाकर DIG और DM कार्यालय तो कभी SSP कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाती दिखी, जबकि किसी तरह की मदद नहीं मिलने के बाद अब वह पीड़िता समाहरणालय के समीप बंदूक के साथ फोटो लिए अपने पति की तस्वीर लेकर पागलों से आम लोगों से ही मदद की गुहार लगाने लगी है। बता दें कि भागलपुर के कलेक्ट्रेट गेट पर आंखों में आंसुओं का गुबार लिए पीड़ित महिला वहां मौजूद पुलिस कर्मियों के अलावा हर आने जाने वालों से मदद की गुहार लगाती दिखी। दरअसल महिला का कहना है कि लोधीपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी झारू पासवान के पुत्र बंटी पासवान से 12 जून 2021 को मंदिर में हिंदू विधि विधान से उसका प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन शादी के बाद उसकी सास कौशल्या देवी, ससुर झारू पासवान और पति बंटी पासवान ने उसके मायके वालों पर दहेज के रूप में 1,00,000 रुपया, 2 जेवर और मोटर साइकिल देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वहीं जब वह और उसके मायके वालों ने दहेज नहीं देने की बात कही तो उसकी सास, ससुर और पति बंटी पासवान ने उसके जमकर पिटाई कर दी और विगत 24 जनवरी को बेरहमी से गैस सिलेंडर से उसके पेट पर प्रहार कर दिया, जिससे उसका गर्भपात हो गया। इसके बाद अपनी जान बचाकर पीड़ित महिला अपने नानी घर जगदीशपुर के अंगारी गांव चली गई। वहीं महिला ने पदाधिकारियों के साथ सभी लोगों से उसकी मदद करने और उसे अपने पति के घर भेज देने की दरख्वास्त की, साथ ही कहा कि उसे बस उसके ससुराल पहुंचा दिया जाए, जहां उसे 2 वक्त की दाल रोटी के साथ पति का प्यार मिल सके। हालांकि इस मामले में लोधीपुर थाना की पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए ससुराल वालों को समझा बुझाकर सुलह करवा दिया, लेकिन इसके बावजूद बीते 13 मई को ससुराल वालों ने उसकी पिटाई कर घर से निकाल दिया। परेशानी यही है सर कि मेरा पति मतलब शादी किया लव मैरिज अब रखने के लिए नहीं चाह रहे हैं, बोलते हैं तो बोलता है कि हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, तुमको नहीं रखेंगे, तुम्हारी जैसे जैसे कई गो को हम इसी तरह से करके छोड़ दिए हैं। और शादी हुए 2021 छठा महीना में। और आपसे पहले और किसी शादी किया था वो क्या? नहीं। तो क्या बोला कि हम इतना करके छोड़ देते हैं? हाँ मतलब वो किसी और से अभी भी टॉर्चर में है, मतलब किसी से बात उत करता है, प्यार मोहब्बत करता है और अभी भी 3 बच्ची माँ से मतलब बात उत करता है। 3 बच्चे के माँ से बात करता है? हाँ। ससुराल वाले क्या बोल रहे हैं? ससुराल वाले यही बोल रहे हैं कि मतलब हम नहीं रखना चाहते हैं और वो भी मतलब उसका माँ बाप जो बोलता है वही सुनते हैं। ससुराल में आप कितने समय तक रहे? 1 साल तक। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में अगर आप अपनी इंजरी रिपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि इसके लिए वहां आपको बिचौलियों का सामना करना पड़ेगा। दरअसल कई ऐसे दलाल हैं जो मायागंज अस्पताल में अपनी जेब भरने के लिए अस्पताल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ताज़ा मामला कटिहार के पोठिया OP का है, जहाँ एक युवक को स्थानीय पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। वहीं इसको लेकर पीड़ित परिजनों का कहना है कि 19 नवम्बर को स्थानीय निवासी उदय यादव के पुत्र भोला कुमार यादव उर्फ पल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 1 हफ्ते बीत जाने के बाद उसकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाती है। मामले को लेकर पीड़ित परिजनों का कहना है कि जनप्रतिनिधि दिलीप यादव के द्वारा उनके पुत्र की हत्या की गई है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि मृतक बल्लू यादव ने कटिहार जाने के क्रम में एक बकरी के बच्चे
बच्चे को ठोकर मार दी थी और पोठिया ओपी प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में उसे गिरफ्तार किया गया था। जबकि प्रतिवादी द्वारा गिरफ्तारी का कारण पूछने पर कटिहार पुलिस लगातार टाल मटोल करती रही। पीड़ित परिजनों की माने तो मृतक को थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया है, जिससे भागलपुर के माइग्न अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ा, जहाँ 2 दिन वेंटिलेटर पर रखने के बाद सोमवार की रात बल्लू यादव की मौत हो गई। मृतक के पिता ने बताया कि जनप्रतिनिधि दिलीप यादव से उनकी पुरानी रंजिश है और दिलीप यादव ने बल्लू यादव पर उनकी बेटी को भगाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि इसी रंजिश के कारण पुलिस ने बल्लू यादव को गिरफ्तार किया और हाजत में सरपंच की मिली भगत से उसे थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया। मामले में पीड़ित परिजन ने पोठिया प्रभारी संजय सिंह पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया है, जबकि संजय सिंह ने इस आरोप को गलत बताया। हालांकि फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। मामला मेरा बेटा जो है ना 19 तारीख को सुबह 11:10 बजे लमसम ये कटिहार के लिए शादी में जा रहा था। उसी बीच कुशियारी मोड़ के पास बकरी आ जाने के क्रम में वह जो है बकरी पर चाँप दिया, बकरी का दोनों पैर भी टूट गया और पीछे वाला जो आदमी बैठा था उसका पैर टूट गया। मेरा बेटा को कुछ नहीं हुआ, ये जो है उठा के गाड़ी मार रहा था, उधर से गश्ती गाड़ी आया और इसको बैठा के चल दिया, आया थाना में उसी दिन उसको बंद करके रखा। कौन थाना? पोठिया ओपी पड़ता है। उसके बाद हमको मालूम शाम में पड़ा कि इसको पकड़ के रखा है, तो सोचे और छोड़ दो पकड़ के, कहा सुबह उसको आन लेंगे क्या बात मामला है। तो हम छोटा बेटा को भेजे तो वहाँ पर सरपंच मौजूद था। क्या नाम है सरपंच? सरपंच में है पेक्स अध्यक्ष है, सरपंच उसकी पत्नी है, इसका नाम है दिलीप कुमार यादव, बेटा का नाम है नीतीश कुमार और निरंजन कुमार। ये तीनों आदमी वहाँ मौजूद थे सुबह 8 बजे। हम जब गए तो हमारा छोटा बेटा को भगा दिया, बोला कि जाओ अभी चाय चूने देना है, और कोई थाना प्रभारी नहीं था, सिर्फ वही था, 2 गो सिपाही था मात्र में। और मेरा बेटा को जो मारा रात में मारबे किया, सुबह 8 बजे भी पोस्टमार्टम उसको मारा है सरपंच और थाना प्रभारी दोनों मिलके। और वहाँ कितना दिन हाजत में रखा आपके बेटे को? मेरा बेटा को 19 तारीख को 10 बजे लमसम में पकड़ा 11 बजे और 20 तारीख को 2 बजे लमसम 2:30 बजे के बीच में उसको छोड़ा गया। 10,000 रुपया लिया हमसे, बोला कि 25,000 दो, बोले कि हम गरीब आदमी हैं कहाँ से लाएंगे, से हमारे पास यही तो है, तो बोला कि ठीक है दो 10,000 रुपया हम दिए, उसके बाद तब उसको छोड़ा। भागलपुर के शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी दियारा की रहने वाली ममता कुमारी पिछले कई दिनों से शिवनारायणपुर थाना महिला थाना वरीय पुलिस अधीक्षक और आरक्षी उप महानिरीक्षक के कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुकी है। इसको लेकर युवती का कहना है कि पिछले 3 सालों से गांव का ही विश्व सिन्हा उसे शादी का प्रलोभन देकर पिछले 3 सालों से उसका यौन शोषण करता रहा, और अब जबकि युवती गर्भवती हो गई तो उसके कथित प्रेमी युवक ने उसके साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं पीड़िता ने कहा कि वह 4 माह की गर्भवती है और जब वह आरोपी युवक के घर गई तो उसके घर वालों ने युवती को धक्का देकर भगा दिया और कहा कि 13 दिसंबर को युवक की शादी होगी। साथ ही पीड़िता ने कहा कि वह अपने बच्चे को उसके पिता का नाम दिलाने के लिए लगातार पुलिस के कई वरीय पदाधिकारियों का चक्कर लगा चुकी है, लेकिन अब तक उसे प्रशासन की ओर से ना तो न्याय मिल सका है और ना ही इस ओर कोई पहल हुई है। हालांकि कई जगहों पर प्रयास के बाद भी जब उसे कोई मदद नहीं मिली तो पीड़िता ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां अधिवक्ताओं की मदद से मामला दर्ज कराकर कोर्ट से ही न्याय की गुहार लगाई है। मेरे साथ लड़का शादी का झांसा देके और मेरे साथ 3 साल से रिलेशन में, आज हम 4 मंथ का गर्भवती हो गए, तो वो कहीं और शादी कर रहा और कहता तुमको हम साइड से रखेंगे, तुमको रंडी बना के रखेंगे, और मुझे इस बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। क्या नाम है लड़का का? बिशप सिन्हा। बिशप सिन्हा? हाँ। कहाँ कहाँ गुहार लगा चुकी हो, कहाँ कहाँ गई हो इसको लेकर? वो मतलब कि जाते थे हमको लेके यहाँ वहाँ कहीं भी घूमने के लिए तो लेके जाते थे कभी कभी। कहाँ कहाँ, किसके किसके अधिकारी किसके किसके पास गई, थाना गई, कहाँ कहाँ गई? थाना अभी SP सर के पास गए हैं और महिला थाना भी जा रहे हैं और DIGC सर के पास जाएंगे। क्या कहा गया थाना के द्वारा तुमको शिवनारायणपुर में? थाना में हम जब ये कंप्लेन करने गए तो बोल रहे कि नहीं ये आवेदन से नहीं FIR होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, वहाँ से भगा दिया गया हमको धक्का मार के। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बरारी में हुए डबल मर्डर को लेकर एक्शन में आई पुलिस, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज। भागलपुर कृषि कार्यालय में 2 दिवसीय यांत्रिकरण मेला का हुआ शुभारंभ, किसानों को मिलेगा लाभ।
प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड में शव बरामद नहीं होने से नाराज लोगों ने किया हंगामा, पुलिस के खिलाफ जताया आक्रोश। और दक्षिणी क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों को 3 दिनों का जिला प्रशासन ने दिया अल्टीमेटम, अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।